अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के बाद उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही कांग्रेस द्वारा जो जन घोषणा पत्र था उसे कैबिनेट से पहली बैठक में ही सरकारी कागज मान लिया है और उन योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी यह भी योजना थी कि कॉलेज का विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं की फीस माफ करने की है, जिसे वर्ष 2019 के शैक्षणिक सत्र में लागू करने जा रहे हैं। देखिए, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज बलिदान दिवस भी है और अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ और हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है और कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उस जन घोषणा पत्र को कैबिनेट की पहली बैठक में सरकारी दस्तावेज मान लिया गया और जो वायदे हमने राजस्थान की जनता से किए हैं उन तमाम वायदों को हम आने वाले समय में क्रमबद्ध रूप से पूरे करेंगे। जहां तक हमारे उच्च शिक्षा विभाग की बात है तो राजस्थान में बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने की बात हमारे जन घोषणा पत्र में कही गई है, तो इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और वित्त विभाग के पास फाइल भेजी गई है। तो मैं समझता हूं कि आने वाला जो सत्र है शैक्षणिक सत्र 2019 का, उसमें राजस्थान के तमाम जो 252 हमारे गवर्नमेंट के कॉलेज हैं उनमें पढ़ने वाली बालिकाओं की और उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली हमारी छात्राएं हैं उनकी पूरी फीस माफ़ करने की हमारी घोषणा थी और उसको हम आगे आने वाले शैक्षणिक सत्र में लागू करने जा रहे हैं। देखिए, अभी वर्तमान में 2000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, हमारे विभाग में हैं। इस संबंध में 830 पदों की अभ्यर्थना आरपीएससी के पास भेजी गई है और उस अभ्यर्थना को अतिशीघ्र लागू करवा करके हमारा ये प्रयास रहेगा कि इन 830 पदों को हम भरें और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इन पदों को भरा जाएगा। तो राजस्थान का शहरी क्षेत्र में तो फिर भी कॉलेजेस में फैकल्टीज़ लगभग पर्याप्त है, लेकिन गाँव में आज भी हमारे कॉलेजेज में शिक्षकों के पद बहुत बड़ी संख्या में रिक्त है। तो इन 830 के साथ साथ हम और प्रयास करेंगे कि हमारे कॉलेजेज में तमाम पदों को हम भर सकें। उसके साथ साथ हमने सैनिटरी नैपकिन बालिकाओं के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेज में मुफ्त वितरण की बात कही थी, उसको हम लागू करने जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा हमारा जो अभी हमने उस कार्यक्रम था प्रतियोगिता दक्षता की क्लासेज लगाने का, तो उसको हमने 12 तारीख से पूरे राजस्थान में शुरू कर दिया है और इस प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे बच्चे जो महंगी कोचिंग नहीं ले सकते, जिनका परिवार या उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो जो नामी कोचिंग संस्थान है, जो महंगे कोचिंग संस्थान है उनमें अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो उसके लिए सरकार ने बाकायदा राजस्थान के तमाम जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अजमेर में भी चालू कर दिया गया है और मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको पूरा लाभ मिलेगा। और अभी 26 जनवरी को हर एक कॉलेज में जीके की पुस्तकों का भी अभी वितरण, हर छात्र को एक एक लेटेस्ट जीके की पुस्तक का वितरण किया गया है। तो ऐसे तमाम हमारे वायदे या ऐसी तमाम योजनाएं जिनसे राजस्थान में उच्च शिक्षा को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके और ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके, उसके लिए कैसे सुधरेगी सर, जब उसके लिए हमारी, और मैं समझता हूँ कि आप ने जैसा बताया यूनिवर्सिटीज़ का, अजमेर के विश्वविद्यालय के बारे में भी मेरी जानकारी में आया है और 16 टीचर यहाँ शिक्षकों के पद बड़ी मात्रा में रिक्त है और भी बहुत सारी समस्याएँ हैं। चूँकि अभी जो वीसी का मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के भी प्रसंज्ञान में ये जानकारी में आया है, तो मैं समझता हूँ कि अजमेर के विश्वविद्यालय को भी अच्छे तरीके से अच्छे स्वरूप में हम स्थापित करें, क्योंकि पिछले 5 सालों में इस विश्वविद्यालय की पूरी तरह से एक तरह से अनदेखी की गई
और जिसकी वजह से यहाँ की व्यवस्थाएं और ज़्यादा बिगड़ी है। इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हमारी सरकार का, हमारे विभाग का पूरा प्रयास रहेगा। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।